खरगोन मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 56 मोटरसाइकिल की है जब्त। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। जिले के कसरावत थाना प्रभारी को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बाइक से आ रहे 5 लोगों को रोककर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बाइकों के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बाइक चोरी करना कबूल किया है, जिसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर कुल 56 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। आरोपियों ने उक्त मोटरसाइकिल खरगोन खंडवा इंदौर सहित आसपास के जिलों से चुराई है। यह चुराई गई बाइक को बड़वा के विश्वदीप नामक व्यक्ति के गैरेज में ले जाकर वहां चोरी की बाइक के पार्ट्स में अदला बदली कर मॉडिफाइड कर देते थे। फिलहाल मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह के और भी आरोपी हो सकते हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनके द्वारा कुछ मोटरसाइकिल चोरी कर नहर में फेंकना बताया गया है, उनकी भी बरामदगी की जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में गिरोह में शामिल सभी लोकल नेटवर्क खरगोन और खंडवा जिले के ही हैं। फिलहाल इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। नहर में और जिले के अन्य हिस्सों में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को देखते हुए सभी को निर्देशित किया गया कि मोटरसाइकिल चोरी जो है उसको रोकना भी है और जो चोरी गई है उसे जब्त भी करना है। इस आधार पर एडिशनल SP ग्रामीण जो हैं जितेंद्र पवार के नेतृत्व में SDOP मंडलेश्वर और TI कसरावत ने अपनी इन्फॉर्मेशन के आधार पर 5 लोगों को रोका। उनसे जब ये पूछताछ की गई तो उनके पास से कुछ मोटरसाइकिलें जब्त हुई और फिर सघनता से पूछताछ की गई तो हमने एक अच्छा एक गैंग पकड़ा जिसके पास से चोरी गई करीब 56 मोटरसाइकिलें जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये संभावित है। इस पर हमने 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। मोडस ऑपरेंडी ये है कि अलग अलग स्थानों से, जिसमें वो इंदौर से भी चोरी करना बता रहे हैं और खंडवा के जिले से भी और खरगोन जिले से भी, और वो चोरी करके एक इसुदीप नामक व्यक्ति है जो अभी हाल में ही बड़वा में उसने गैरेज खोला है, उसके माध्यम से जो है चोरी की मोटरसाइकिलें जो हैं खुर्द-बुर्द करते थे। गैरेज मालिक जो है वो मॉडिफाई भी करता था, गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो निकाल के दूसरी मोटरसाइकिल में लगा के मॉडिफाई करता था ताकि वो पुलिस की पकड़ में भी नहीं आते थे। इस तरह से हमने अभी तक 56 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं और 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। खरगोन जिले की पर्यटन नगरी महेश्वर में आज हेरिटेज दौड़ का आयोजन किया गया। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा रविवार को पर्यटन नगरी महेश्वर में हेरिटेज दौड़ का आयोजन किया गया था। महेश्वर में संपन्न पहली बार इस आयोजन में सिर्फ युवाओं नहीं बल्कि 65 वर्ष की उम्र वाले नागरिक भी शामिल हुए। हर वर्ग के लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। हेरिटेज दौड़ को जिला पंचायत CO दिव्यांग सिंह ने हरी झंडी दिखाई। पर्यटन नगरी में दौड़ किसी प्रतियोगिता के उद्देश्य से नहीं बल्कि शुद्ध रूप से पर्यटन की दृष्टि से नगर की सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गो हेरिटेज रन का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय महेश्वर से किया गया। आयोजन के संयोजक नीरज अमझेरे ने बताया कि 60 वर्षीय स्थानीय निवासी राकेश शर्मा ने कई युवा वर्गों के साथ 10 किलोमीटर तक दौड़ में शामिल हुए।